मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज मॉर्निंग में जब मैं उठा और मॉर्निंग में मैं और मेरी वाइफ मॉर्निंग टी ले रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि कल रात को मेरी नींद 12:30 बजे करीब खुल गई और उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद मैं सोया। हालांकि दोपहर में मैं बहुत हेक्टिक वर्क भी किया और एक हमने CPR ट्रेनिंग कैंप भी किया था, जिसके अंदर हमने करीब 40-50 लोगों को उसकी ट्रेनिंग भी दी, तो हो सकता है वो एक्साइटमेंट भी रही हो जिसकी वजह से नींद खुल गई। लेकिन उसमें एक खास बात ये हुई कि मेरे को भूख भी लगी, तो मैंने एक केला खा लिया और एक बिस्किट खाया और एक छोटी चीज़ और भी खाई और फिर करीब 2 घंटे के बाद मैं सोया। और उस वक्त फिर मैं अपना कुछ और काम करता रहा, उसके बाद मैं सो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर आज आप जो है इसी बात के ऊपर ही एक वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि रात को नींद खुल जाती है तो फिर हम क्यों खाना खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ठीक है, मैं फिर इसी के ऊपर ही आज आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि रात को मैंने क्यों खाया और जो लोग और भी खा रहे हैं इस तरह से उठ के, तो उसकी वजह क्या होती है। एक तो सबसे पहली वजह तो आप यही कह सकते हैं, भाई रात को भूख लग रही थी तो हमने खाया, तो ये भी एक एक्चुअल में ही कारण है कि भूख लग रही थी तो खाया, लेकिन भूख क्यों लग रही थी वो मैं अभी बताऊंगा। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है कि रात को लोगों की नींद ही खुल जाती है भूख के कारण, फिर वो उठ के खाते हैं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। और उसकी वजह फिर ये हो जाती है कि एक इरेगुलर मील पैटर्न होता है कि मान लीजिए आप रोज़ रात को खाना देर से खाते हैं, 10-11 बजे तक, किसी दिन जल्दी सो गए और फिर किया, किसी दिन आपने डिनर कर ही जल्दी लिया, उसके बाद फिर आराम से सो गए, तो फिर क्योंकि जल्दी किया था तो हमारे माइंड को तो फिर पता लग गया कि इतने घंटे हो चुके हैं खाना खाए हुए, और फिर दोबारा जब पेट खाली होता है तो फिर वो अलार्म बजाता है और फिर हमें उठा देता है कि भाई उठो। जब उठ गए तो फिर वो भूख लग रही होती है तो फिर खाना खा लेता है व्यक्ति, खाने का मतलब कि कुछ चीज़ें खा लेता है, खाना पूरा ये नहीं कि पूरी मील खा लेता है। और इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल तरीका हो गया कि भाई रात को देर से पार्टी से आ रहे हैं, कभी जल्दी आ रहे हैं, तो एक इरेगुलर ये पैटर्न लाइफ स्टाइल का जो होता है, जिसे हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल भी कह देते हैं, तो ये सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। और जो मैंने बताया कि भूख की वजह से उठ गए, वो भी एक अपने आप में कारण है ही है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है, अगर आपको एंग्जाइटी है या एक्साइटमेंट है किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी आपको रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से आप उठ जाते हैं। जब उठ जाते हैं तो उस एक्साइटमेंट को दबाने के लिए या उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए फिर आप कुछ खाते हैं। तो अब आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरे को तो कोई एंग्जाइटी नहीं है, मेरी नींद क्यों खुली और मैंने क्यों खाया। तो उसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि एंग्जाइटी आपके, चलो आप ये मान लो कि आपके दिमाग में एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन आपके पेट में तो एंग्जाइटी थी, क्योंकि एक मेडिकल के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है, एक होती है गट फीलिंग कि गट्स को, मतलब हमारे पेट को जल्दी पता लग जाता है कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो वो फिर अपने हिसाब से आपको ठीक करने की कोशिश करता है। तो या फिर एक और भी कारण होता है कि जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल अगर वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसकी वजह से भी फिर आपको रात को भूख लगती है और फिर आप कुछ खाते हैं। कि मान लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है तो उसकी वजह से फिर वीकनेस फील होती है, तो फिर उस व्यक्ति को खाना पड़ता है उठ के, तो ये एक अलग कारण हो गया। फिर या ये भी हो सकता है कि आप दिन में खाना ही कम खा रहे हैं कि अपने, जिससे कि लो कैलरी आपकी रहेगी, आपका वजन कम हो जाएगा और जितना खाना खाना चाहिए उतना आप नहीं खा रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से रात को नींद खुलती है, फिर आप खाना खाते हैं, कुछ खाना मतलब कुछ चीज़ें खाते हैं और फिर उसके बाद में दोबारा 1-2 घंटे बाद सो जाते हैं। फिर यह आपका स्लीप पैटर्न ही बड़ा डिस्टर्ब है कि कुछ लोग जैसे ओल्ड एज के अंदर जो है खासतौर पर ऐसा होता है, या जो लोग बिजनेस के अंदर, उनको बिजनेस की एंग्जाइटी है तो उसकी वजह से उनकी नींद खुलती है। ओल्ड एज का जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से बुजुर्ग लोग जो है रात को उठते हैं और फिर उनमें से कुछ लोग कोई ना कोई चीज़ ऐसे खाते रहते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जबकि हम जो रात को खाते हैं अगर पहले से पता होंगी तो फिर हम उसको नहीं खाएंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे ये आदत हमारी ठीक हो जाएगी। तो अब इसके लिए करें क्या, करने का तो यही है कि एक तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा खा ली, बाकी चीज़ें नहीं खाई, तो भी फिर बॉडी हमारी डिमांड करती भी क्या खाया और जाए। या आप तला हुआ ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब फैट वाली डाइट तो आपने खा ली, प्रोटीन आपको मिल नहीं रहा है बॉडी को, तो फिर हमारा ब्रेन डिमांड करता है भाई प्रोटीन लाओ प्रोटीन लाओ, तो उसकी वजह से आप कुछ और खाते हैं जो आपको समझ तो आता नहीं कि हम खा क्या रहे हैं। तो एक अपनी डाइट को बैलेंस करना, दूसरा अपने स्लीप पैटर्न को उसका एक रूटीन बनाना कि मैं अगर 10 बजे सोता हूँ तो 10 बजे ही सोऊंगा रोज़, और सुबह 6 बजे उठता हूँ तो 6 बजे उठूँगा, इस तरह से मतलब कोशिश करके अपना उसको रखें।
तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर फिर भी नहीं हो तो आप फिर को अपने डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा, फिर वो आपको कुछ सलाह देगा, या कोई साइकोलॉजिस्ट आपको एक अच्छी सलाह इसके अंदर दे सकता है। और होम्योपैथी डॉक्टर भी इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जब रात को नींद पैटर्न ख़राब होता है तो, और उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। हालांकि नींद की गोलियाँ खा के ये वाली प्रॉब्लम हल होने वाली नहीं है, तो इसलिए नींद की गोली खाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके लिए कोई अच्छी दवाई लेंगे तो वो आपको इसके से ठीक कर देगा, इस चीज़ से छुटकारा दिलवा देगा। चलो मैं चलते हुए आपको एक होम्योपैथिक दवाई का नाम बता देता हूँ जो इसमें काम आती है, उसका नाम है नक्सोमिका। तो नक्सोमिका 200 की अगर एक डोज हफ्ते में एक बार ली जाए, 3-4 हफ्ते तक तो ऐसे ली जाए, तो उसके बाद रोगी ठीक हो जाता है। मतलब रोगी तो उसे क्या कहे, मतलब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। फिर भी नहीं हो तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर मिले और फिर अपनी बात को बताएं, तो वो आपकी अवश्य मदद करेगा। आज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।